गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज़ के ब्लूटूथ को आप रीइंस्टॉल किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, आप उसे रीइंस्टॉल किस तरह से और कैसे करेंगे, और इसे रीइंस्टॉल करने से क्या होता है। जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके विंडोज़ के ब्लूटूथ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, या कोई भी डिवाइस प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा है, या कभी कनेक्ट होता है या कभी कनेक्ट नहीं होता है, या आपका ब्लूटूथ जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो रीइंस्टॉल करने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपके ब्लूटूथ को रीइंस्टॉल करने के लिए बताऊंगा। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे रीइंस्टॉल करने के लिए, जो ब्लूटूथ रीइंस्टॉल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं टू डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, टू डिफरेंट डिफरेंट वेज से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपके लिए बेटर होगा, तो आप यहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस है मैं आपको वो बताता हूँ ब्लूटूथ इंस्टॉल करने के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद जो आपका यहाँ पे ब्लूटूथ का ये जो ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसे अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक करना है और आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस चेकबॉक्स को आपको यहाँ पे इसे चेकमार्क नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपको इसे अनइंस्टॉल करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये अनइंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे एक्शन वाले आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे स्कैन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ का जो ऑप्शन जो था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद, मतलब रीइंस्टॉल हो गया है, रीइंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, या आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो इस बार आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे अब मैं आपको यहां पे सेकेंड प्रोसेस बताऊंगा, तो आपके लिए जो भी इफेक्टिव होगा तो आप यहां पे उसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था। तो यहां पे आपको अगेन, आपको यहां पे वायरलेस ब्लूटूथ का जो ये ऑप्शन है आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है, और इस बार आपको यहां पे इस चेक बॉक्स पे आपको यहां पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको यहां पे इसे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन जो है यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे मेरे इस वेबसाइट के, मैंने आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओगे इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ के रिलेटेड, तो आपके यहाँ पे जो वायरलेस ब्लूटूथ का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो डेट है आपका यहाँ पे ये है, रिलीज डेट जो है ये है, और यहाँ पे जो वर्जन है लेटेस्ट आपका ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। अगर आपका विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 64 बिट का है, तो आपको यहाँ पे 64 बिट वाले को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। अगर आपका जो विंडोज़ है वो 32 बिट का रहता है, तो आपको यहाँ पे 32 बिट वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज़ जो है इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे इस वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक कर मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लूँगा। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन दी लाइसेंस एग्रीमेंट। और यहाँ पे मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ये ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर जो लेटेस्ट वर्जन है, वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाने के बाद अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे करना क्या है। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वेबसाइट ओपन है तो आपको इसे कट कर लेना है, और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को भी आपको यहाँ पे कट कर लेना है, और आपके सामने इंस्टॉलिंग के रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है, और आपको यहाँ पे अगेन आपको इसे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड आर्ग्यूमेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर आपको यहाँ पे अगेन नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, बटन शो होगा, तो आपको इस कंप्लीट वाले बटन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इसे फाइनली इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिश का आपके यहाँ पे ये बटन शो होगा, तो आपके यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद फिर आपको अपने डेस्कटॉप पे इसे रिफ्रेश करना है, और आपके यहाँ पे अगेन आपको डिवाइस मैनेजर को आपके यहाँ पे ओपन कर लेना है।
और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे केस में। अगर बाय द वे आपके केस में अगर आपको यहाँ पे शो होता है तब तो बेटर है, अगर बाय द वे आपको भी यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन एक्शन वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और हो सकता है आपको यहाँ पे ये स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का जो ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे ये शो ना हो, ओनली आपको हेल्प का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे अपने डिवाइस मैनेजर को आप यहां पे कट कर कर आप यहां पे अगेन आप यहां पे ओपन करके आप इस एक्शन बटन पे आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का ऑप्शन आपको यहां पे शो हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपको ये ऑप्शन अगर आपको यहां पे शो नहीं होता है तो ब्लूटूथ को इंस्टॉल करने के बाद, तो जैसे मैं यहां पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ब्लूटूथ का जो ये ऑप्शन है अब यहाँ पे शो होने लगा है, जो मेरा लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपके ब्लूटूथ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा ब्लूटूथ, अब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क भी करने लग जाएगा और आपका जो कनेक्शन है किसी भी अनदर डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पे कनेक्ट भी होगा। और एक बात और, आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा ब्लूटूथ को इंस्टॉल करने के बाद। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।